Эй, не скажи, что же. ये स्पोर्ट्स जो है ना कितनी जरूरत है, खासकर लड़कियों के लिए और लोगों के लिए भी। स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत जरूरी है क्योंकि फिटनेस के लिए भी ये जरूरी है, हेल्थ भी, इससे हमारा हेल्थ भी ठीक हो जाता है। और फुटबॉल, क्रिकेट, एथलीट, इन सबसे भी हमारा मतलब वो हेल्थ ठीक हो जाता है। जैसे कि आजकल यहाँ ले में पूरा नया ग्राउंड बन चुका है, जैसे कि यहाँ पर भी एक बना है, यहाँ पर एथलीट और खैर मकदम करते हैं। एक बार फिर लद्दाख फ्रंटियर में अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल का एक चयन हो रहा था, एक सिलेक्शन हो रहा था काफ़ी दिनों से। हमारे साथ अंडर 17 कुछ स्टूडेंट्स कही जा सकती है, फुटबॉलर्स कही जाते हैं, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महर है और हम आईपीए स्कूल से आए हैं और हमारा यहाँ पर एक ट्रायल चल रहा है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। महर, ये बताइए, ये जो ट्रायल है, जब आप शुरू में आए थे, काफ़ी दिनों पहले शुरू हुआ था मेरे ख्याल में, तो कितने पार्टिसिपेट थे आपके हिसाब से अभी तक? लगभग 100 के करीब था और उसमें से हम सिर्फ अभी 30 ही बचे हैं। अब इसमें से भी सिलेक्शन होगा और जो भी इसमें सेलेक्ट होगा तो वो एक बड़ी। जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ एक और फुटबॉलर कही जा सकती है। सबसे पहले आपका नाम और आपकी पोजीशन, आप कहाँ पर खेलते हैं? मेरा नाम आलिया और मैं स्ट्राइकर हूँ, सेंटर स्ट्राइकर। और आलिया, ये बताइए कितना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि अभी महक ने बताया कि 100 स्टूडेंट थे, 100 फुटबॉलर थे अंडर 17 का, तो कितना मुश्किल था कम्पीट करना। और आज आखिरी दिन है इस ट्रायल का, तो यहाँ से एक टीम चुनी जाएगी यूटी लद्दाख की, तो कितना मुश्किल था अभी तक का सफ़र? बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ बहुत अच्छे खेल रही थी, तो इस तरह की टीम क्या पहले बननी चाहिए थी, क्योंकि यूटी बनने के बाद यूटी लद्दाख अब एक अंडर 17 का टीम बनने जा रहा है, तो क्या एक मैसेज होगा आपके जैसे, जो आपके जैसे दूसरे फ्रेंड जो अंडर 17 जो फुटबॉल खेल सकते हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज होगा? तो मेरे तरफ से ये मैसेज होगा कि आप भी आइए खेलने के लिए और आप मतलब। जी हाँ, कोचिस की बात, अगर किसी भी गेम में कोचिस का महत्व बहुत होता है, चाहे वो टेक्निकल कोचिस की बात करें। यहाँ पर मैंने अभी कुछ यहाँ पर कोचिस से बात भी करी थी, आप इन्हीं से जानेंगे किस तरह के कोचिस का आपको हेल्प मिला अभी तक इस पूरे सफ़र में। हमें मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हम पहले नहीं जानते थे कि कैसे खेलते थे और अभी हम काफ़ी अच्छा खेलते हैं। डाइट देखना पड़ता है, बच्चों को स्टेडियम लाना पड़ता है। अभी हम क्या है कि फर्स्ट टाइम है, तो हम बच्चों को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो हम सारे एसोसिएशन की तरफ से हम सब ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे दिया, ताकि हम एक किसी के घर में रख के डाइट, हम कुछ ट्रांसपोर्ट, हम कुछ करके, पर फ्यूचर में हम कोई कुछ जुगाड़ से नहीं कर सकते ना, इसके लिए एक बहुत प्रॉपर वे होना चाहिए, ताकि बच्चा कहीं से भी कैंप लगाने के लिए आए तो लगे कि हाँ कि हम स्पोर्ट्स पर्सन का इज्जत है, कुछ फैसिलिटीज़ है। क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, क्योंकि हम छोटे छोटे मेंटली प्रिपरेशन सब कुछ बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन फ्यूचर हमें उम्मीद है कि अभी भी हमने यूटी गवर्नमेंट को हमने एक बजट प्लान दिया हुआ है कि ज़्यादा जल्दी सेंक्शन करें, ताकि हम खुद एक एसोसिएशन में जो हम मेंबर्स इंडिविजुअल हम नाराज़ ना हो, लाइक हमें उम्मीद
एक इंटरेस्ट से हम इतना काम करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट और सब जारी रखने के लिए हमें दोनों कौंसिल और यूटी गवर्नमेंट का दोनों जरूरत है। या जुले, माय नेम इज हरप्रीत बेदी, आई एम अ टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड कोच फॉर लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन। हरप्रीत जी, अंडर 17 महिला फुटबॉल कितना चैलेंजिंग था? आपने अभी बताया कि आप टेक्निकल कोच है, बहुत सारे लड़कियां पहली बार खेल रहे हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट भी शायद 100 लड़कियों से ऊपर किया था। टेक्निकल में कहाँ तक लद्दाख की लड़कियां है अभी इस स्थिति में? जैसे कि टेक्निकल चीज़ ऐसी है जो समय से कंटिन्यूस प्रैक्टिस से बढ़ता है, और देखा जाए हमारे 70% जो बच्चे हैं टेक्निकली अच्छे हैं और बाकी जो है उनमें और क्वालिटी है। सो अब आता है हमारा टेक्निकली और टैक्टिकली काम किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं जब मैचेस होंगे जीतने के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि लद्दाख में पहली बार यूटी बनने के बाद खासकर एक अंडर 17 का ये फुटबॉल टीम बन रहा है, क्या फ्यूचर यहाँ से कहाँ तक जा सकती है ये टीमें? अगर बात कही जाए कि फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस साल ये जो ग्राउंड जहाँ पर आप खड़े हैं, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स से कितना स्ट्रेंथ है उनमें, कितना आगे जा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो यूटी ने किया है, लद्दाख ने जो इतना अच्छा ग्राउंड दिया है, सो बहुत सबसे मेन चीज़ तो वो किया है। अब अपॉर्चुनिटी रहती है उनकी ट्रेनिंग की, सो कंटिन्यूस मैंने बोला है, हर एक टीचर को भी बोला है जिस स्कूल से